फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फेडरल बैंक शेयर के बारे में। फेडरल बैंक शेयर पे अगर आपने मेरा पहले का वीडियो देखा था होगा तो मैंने आपको बोला था बाइंग करके चलिए, शेयर में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलने वाली है। और देख लीजिए आज क्या हुआ, तेज़ी आ गई, 58 का लेवल ब्रेक हुआ। टारगेट आपको मैंने कहा था शॉर्ट कवरिंग में 60 और 61 के टारगेट्स आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। और देख लीजिए आज 60 पे जाके इसने अपना आज क्लोजिंग दी है 60.45 पे जाके, और आज 4.35 रुपये बढ़ा है और 8% का आज हमें इसमें लगभग गेन देखने को मिल गया है। शेयर की मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अगर मेरा एक 350 सब्सक्राइबर का एक टारगेट है, उसको प्लीज़ अचीव करवा दो यार। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक मारना मत भूलना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम आज इस डे की या चार्ट के बारे में बात करें तो देखिए दोस्तों, आज शेयर ने काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया है। जो एक 58 का लेवल था, एक रेजिस्टेंस था, वो ब्रेक किया शेयर में। और देख लीजिए आपको शॉर्ट में आज एक दिन के अंदर इसमें 60 के लेवल्स देखने को मिल गए, 61 के लेवल्स देखने को मिल गए। तो देख लीजिए शेयर, अब मुझे लगता है इसमें भागने का दौर चालू हो गया है और शेयर मुझे लगता है काफ़ी अच्छा भागने वाला है। अब देखिए शेयर की एक बात अब मैं आपको सबसे पहले बताने वाला था कि देखिए आज जो रेजिस्टेंस था इसका, अब देख लीजिए आज ये शेयर कहाँ से चला है। आज शेयर में आपको 50 जैसे ही 8 का लेवल ब्रेक हुआ, अब देख लीजिए 58.60 पे डायरेक्ट पहुँच गया है। फिर 58.60 से देखिए जो इसने भागना चालू किया, वो जाके ये एंड हुआ था अराउंड 61 पे। फिर 61 से वापस थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग, मतलब थोड़ा सा गिरा, फिर 59 पे एक सपोर्ट लिया शेयर ने, ठीक है। अब 59 पे लेने के बाद फिर शेयर भागा, फिर 61 की तरफ भागा। तो इसका मतलब देखिए, सबसे अहम सपोर्ट, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो चुका है इसका एक 59.7 का, 59.7 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है शेयर का, ये समझ के चलिएगा 59.7 पे। और अगर अभी तक आपने इसमें बाइंग नहीं की है तो मुझे लगता है 59.8 या फिर अभी देखिए 59.8 नहीं तो 60 पे तो आपको मुझे लगता है बाइंग करके चलना चाहिए। थोड़ा सा देखिए मुनाफा वसूली आएगी शेयर में, क्योंकि आज देखिए निफ्टी बैंक जो भागा है 800 पॉइंट भाग गया, तो इसका मतलब थोड़ी बहुत तो देख लीजिए अब सपोर्ट लेगा निफ्टी बैंक भी। तो मुझे लगता है निफ्टी बैंक के साथ थोड़ा सा सपोर्ट ये भी लेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपये भी गिर जाता है तो शेयर में आपको 110% बाइंग करके चलना चाहिए। वैसे तो गिरना बहुत अब मुश्किल है 1 रुपये पर, अगर गिर जाता है तो देखिए वहाँ पर बाय करके चलिए। ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, मुझे लगता है भागेगा ये शेयर। और 64 के टारगेट आपको आसानी से मिलने वाला है, समझ के चलिए 64 का टारगेट आपको इस अगले हफ्ते मुझे आराम से लगता है कि शेयर में दिख सकता है। अब शेयर का सबसे ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं। देखिए जो भी टेक्निकल्स में आज आपको राय मिली है, देखिए टेक्निकल्स की देखिए तो देखिए अभी तक टेक्निकल ने बाय करके चली है, यहाँ पे बाय हो रही है। अब देख लीजिए जो सेल के कॉल है वो सिर्फ 3 हैं, बाय के हैं 15 और न्यूट्रल है 10। तो यानी आप कह सकते हैं 1:5:2 लगभग 3:2 हाँ 3 का रेशियो चल रहा है। तो देखिए जो बाइंग कॉल है वो ज़्यादा है, ठीक है, जो बाइंग कॉल ज़्यादा है तो मूविंग एवरेजेस ने आप कह सकते हैं ज़्यादा बाय का मन बनाया है। हर जगह देख लीजिए बाय का कॉल ज़्यादा है, सेल का कहीं भी नहीं है, सेल का बहुत 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 कम है। तो शेयर में आपको मुझे लगता है अच्छे से बाय करके चलना चाहिए। अब शेयर की मैं आपको रेजिस्टेंस की बात बताता हूँ। देखिए जो आज रेजिस्टेंस था 58 का तोड़ दिया, 59 का है ये, 58 का और 56, जो 3 रेजिस्टेंस तोड़ दिए हैं। अब जो एक आपको समझ के चलना है कि जहाँ पे शेयर में थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है अगर वो लेवल टूटता है, तो वो होगा स्ट्रॉन्ग 59 का। 59.20 एक लेवल है जहाँ से शेयर अगर गिरता है तो थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। गिरावट आने का मतलब ये नहीं कि शेयर बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, थोड़ी सी आ सकती है और वहाँ पर आपको ख़रीद के चलना है। पर अगर अभी तक आपने इसमें बाय करके नहीं चला हो तो देख लीजिए मंडे को मुझे लगता है इसमें बाय करके चलना चाहिए। अगर आपको लेवल मिल जाते हैं 60 के, 60 पे 110% बाय करके चलिए, 60 पे बाय करके चलिए और टारगेट रखिए शॉर्ट टर्म में 64 का। यानी आपको मुझे लगता है अगले हफ्ते 64 का टारगेट आसानी से अचीव हो जाएगा। दोस्तों यह था इस वीडियो में, अगर अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आगे भी इस वीडियो को आप देखते जाइएगा। सारे मेरे वीडियो में आपको सारी अच्छी कमाई बताता हूँ। अगर आपने मेरे कल की वीडियोस भी देखे होंगे तो देखिए मैंने आपको भेल पे बताया, आज देख लीजिए भेल क्या भागा। और मैंने आपको कल बहुत सारे स्टॉक्स पे बताया था, देखिए मैंने इंडस इंडिया बैंक पे बताया था, अगर आपने उसको ख़रीदा होगा तो उस पर भी फ़ायदा हुआ होगा। तो दोस्तों मैं आपको पिक्स ढूंढ ढूंढ के आपके लिए इसलिए आता हूँ ताकि आपके फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।